और इसमें प्रॉब्लम यह है, कस्टमर बता रहा है कि कुछ देर चलता है और बंद हो जाता है। तो चलिए आज चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए हमने गैस लगा रखी है, ये देखिए हमारा गैस का सिलेंडर है, और अब हम यहाँ से इसकी गैस खोल देते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसकी गैस खोल देता हूँ, और हमने इसकी मैग्नेट ऊपर कर रखी है, हम इसका स्विच खोलते हैं तो फिर देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ये देखिए इसमें हमने इसका स्विच खोला, इसमें आग लगी और ये बंद हो गया। देखिए तो दोस्तों, ये जैसे हम इसका स्विच खोल रहे हैं, देखिए मैं नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ, इसका स्विच खोलता हूँ, और ये देखिए जैसे हम इसका स्विच खोल रहे हैं इसमें आग लग रही है, लेकिन एकदम से बंद हो जा रही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की, मैं पहले इसकी गैस बंद कर देता हूँ। दोस्तों इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, ये हमारे जो ये लाइटर बॉक्स है इसकी वजह से होती है। हम सबसे पहले इसका लाइटर बॉक्स चेंज करेंगे और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों 99% ये लाइटर बॉक्स जो होता है, जिसके अंदर प्लेट होती है, जब उसमें फाल्ट आ जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारे सेल वीक हों, लेकिन हमारे सेल नए हैं। हम देखिए लाइटर बॉक्स चेंज करके आपको दिखाते हैं कि क्या हमारी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें नया जो लाइटर बॉक्स है, इसके अभी पुराना वाला नहीं निकाला, ये पुराना इसका लाइटर बॉक्स है। अभी हमने इसके नए लाइटर बॉक्स से कनेक्शन कर दिए हैं, एक बार हम कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसके कनेक्शन चेंज करेंगे। देखिए हमने नए लाइटर बॉक्स के ये जो चिंगारी छोड़ता है ये लगा दिए हैं, और ये इसके कनेक्शन देखिए, इसमें ये रिले में दे दिया है इसका कनेक्शन नए वाले लाइटर बॉक्स का, और इसके ये देखिए इस पुराने वाले के सारे कनेक्शन हटा दिए हैं दोस्तों, और नए वाले का देखिए दोस्तों ये इसके सेल के बाहर जा रहे हैं जो कि हमने सेल बॉक्स में लगा दिए हैं। अब दोस्तों हम इसको चला के देखते हैं गैस खोल के कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए मैं इसकी गैस खोलता हूँ दोस्तों, देखिए हमने इसकी गैस सिलेंडर की खोल दी है। अब फ्रेंड्स हम इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी गीजर की स्थिति है। देखिए इसमें आग लग गई है और ये अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं देखिए मैं ये हमारा स्विच है, इसको मैं खोलता हूँ, और ये देखिए आप देख रहे होंगे उधर आग लग गई है और कंटिन्यू चल रही है, बंद नहीं हो रहा है ये। तो दोस्तों इसका जो लाइटर बॉक्स है वो ख़राब है, ये देखिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। और मैं आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों, इसके कैसे कनेक्शन होते हैं इसके बारे में। वैसे तो इसमें जैक लगे होते हैं, आप जैक के हिसाब से कनेक्शन कर सकते हैं। बाकी यदि आपको डीपली इसके कनेक्शन देखने कैसे कनेक्शन होते हैं लाइटर बॉक्स के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो A to Z कनेक्शन इसके कर सकते हैं। फिर भी मैं इसमें भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। इस पहले मैं इस डिब्बी को खोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह से इसका लाइटर बॉक्स चेंज करते हैं। दोस्तों देखिए लाइटर बॉक्स चेंज करने के लिए हमें इसके दो स्क्रू खोलने होंगे, इस प्लेट के दोनों स्क्रू खोलने के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत बारीकी से आपको इसके कनेक्शन लाइटर बॉक्स के समझा देता हूँ। देखिए हमारे इसमें दो जैक ये हैं, आप देख रहे होंगे, एक ब्लैक और एक वाइट। तो दोस्तों वाइट वाले में दो वायर आई हैं, येलो और रेड, और जो हमारा ब्लैक जैक है इसमें तीन वायर आई हैं, ब्लैक, ग्रीन और वाइट। तो ये जो तीन वायर वाला दोस्तों जैक है हमारा, ये हमारी जो रिले का जैक है, ये आप देख रहे होंगे रिले का जैक, ये तीन वायर है इसमें, येलो, रेड और ब्लैक। तो ये हमारा जो तीन वायर वाला जैक है, ये हमारा रिले में लगेगा दोस्तों, इसका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब देखिए ये जो हमारा वायर है, जैक है दो वायर वाला फ्रेंड्स, ये दो वायर वाला जो हमारा जैक है, इधर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा सेंसर है, और दो जो हमारे जैक हैं, ये देखिए ये दो जो जैक हैं ये हमारे स्विच के हैं। तो दोस्तों एक हमारा जो सेंसर का जैक आएगा वो इस स्विच में, इसमें इस तरह से यहाँ आ जाएगा, ये जैक इसमें आ जाएगा दोस्तों, और ये हमारा जो जैक बचता है, ये हमने जो अभी आपको दिखाया था, ये रेड और येलो का जो जैक है वो हमारा फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा स्विच वाले जैक में, इस तरह से स्विच वाले जैक में आप इसको लगा देंगे।
लाइट्स। ये देखिए इस तरह से आप लाइटर बॉक्स के कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को पुश